हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कई बार हम बाहर जाते हैं धूप में, या फिर खाना ठीक से नहीं खाते हैं, या पानी कम पीने से हमारी स्किन में डिस्कलरेशन हो जाता है और बहुत ज़्यादा अनइवन हो जाती है हमारी स्किन, रेशेस आ जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर। तो उन सबको हम दूर कैसे करें, यही मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया सीरम बता रही हूँ जो मेलास्मा को भी ख़त्म करेगा और बहुत सारी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है जो उसको लगाने से ख़त्म हो जाएगी और आपके फेस पर भर भर कर ग्लो आएगा। तो इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले 2 चम्मच ओट्स लिए हैं मैंने। ओट्स हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और डेड सेल्स को रिमूव करता है। और इसके अंदर हमने 1/2 कप दूध के साथ में इसको भिगो कर रख दिया है 2 चम्मच ओट्स को, और फिर इसको ढक कर रख दिया था। 1/2 घंटे के बाद में या 10-15 मिनट भिगो लें, उसके बाद में हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और इसके अंदर डालेंगे हम 1/2 गाजर ली मैंने, उसके कुछ टुकड़े कर लिए हैं। गाजर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है। उसके बाद मैंने लिया है 1/2 टमाटर, हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है। उसके बाद में थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और उसके बाद में हमने छान लिया है। छानने के बाद में देखिए आप, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बढ़िया हो गई। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और मिलाएंगे। 2 चम्मच यहाँ पर डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा कूलिंग एजेंट है और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पर जो एक्ने पिम्पल्स हो जाते हैं वो सब इससे दूर हो जाते हैं इसको लगाने से। इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स 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 कर लेंगे। उसके बाद जो ये सीरम बनकर रेडी होगा, ये कमाल करेगा चेहरे के ऊपर। अब देखिए आप, ये अच्छे से रेडी हो गया है। तो इसको अब हम एक कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख लेंगे 7 दिनों के लिए या फिर 15 दिनों के लिए। ये फ्रिज में ख़राब नहीं होता है। तो इसको रोज़ सोने से पहले रात में अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, अच्छी तरीके से इसको लगाना है, और हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। 2 से 5 मिनट आप मसाज करें, और उसके बाद अगले दिन सवेरे अपने फेस को वॉश कर लें, या फिर आप 2 घंटे बाद भी इसको वॉश कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।